नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे आंगनवाड़ी भर्ती 2022 के ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में। कोई एग्जाम नहीं होगा, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। पद की अगर मैं बात करूं, बम्पर वैकेंसी है 26,882, यानी कि 26,000 से भी ज़्यादा पदों पर वैकेंसी निकली हुई है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से आप आवेदन कर सकते हो। पंचायत समिति के अंडर यहाँ पे आएगा। ऑफलाइन जो मतलब जो भी फोरम होगा वो ऑफलाइन आपको वहाँ से लेके और वहीं पे सबमिट कराना पड़ेगा पंचायत समिति में। ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ICDS की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके भी आप देख सकते हो। पूरा डिटेल डिस्कशन करेंगे इस वैकेंसी के बारे में, इस फॉर्म के बारे में कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हो और कहाँ पर सबमिट करा सकते हो और ऑनलाइन कैसे आपको अप्लाई करना रहेगा, पूरा डिटेल डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर विभिन्न केंद्रों पर ये वैकेंसी निकली हुई है आंगनवाड़ी रिक्रूटमेंट 2022 नाम करके, आंगनवाड़ी पर्यवेक्षक की। और इसके अलावा यहाँ पर पर्यवेक्षक के अलावा यानी कि सुपरवाइजर पद के अलावा यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है अलग तरीके, मतलब एक तरीके से आशा सहयोगिनी यानी कि क्लर्क और यहाँ पे सहायक वाले पद भी इसमें जोड़े गए हैं। 06/2022 ऑफिशियल सी नंबर है इसका, सर्किल 2 की तरफ से प्रेस रिलीज होता हुआ यहाँ पे 26,800 पदों पे यहाँ पे ये वैकेंसी निकली हुई है। ICDS यहाँ पे इसको कंडक्ट करवाएगा। 5th, 8th, 10th और 12th क्लास अगर आपने पास कर रखी तो आप अप्लाई कर सकते हो। डिटेल अगर मैं बताऊँ यहाँ पे पोस्ट के बारे में, कार्यकर्ता की 8,681 पोस्ट है, हेल्पर की 5,280 पोस्ट है, आंगनवाड़ी पर्यवेक्षक की 8,428 पोस्ट है और वहीं परियोजना अधिकारी की 3,285 पोस्ट यहाँ पे इसमें है और OPD वाली 1,208 पोस्ट यानी कि पद यहाँ पे इसमें प्रस्तावित है। OPD वाली पोस्ट के लिए ध्यान रखना, यहाँ पे एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा बोर्ड के द्वारा, ICDS के द्वारा। तो ये इसकी पूरी डिटेल है और ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे जो वैकेंसी निकली हुई है इसमें कम ज़्यादा पद हो सकते हैं। डिटेल यहाँ पे पंचायत समिति के अंडर, जो भी आप जिस भी पंचायत समिति के अंडर आते हैं वहाँ पे आप देख लीजिए उस रीजन की कितनी पोस्ट वैकेंट है, उस हिसाब से आप यहाँ पे फॉर्म लगाइए ऑफलाइन वाला। इसके अलावा शैक्षणिक योग्यता में कार्यकर्ता की 5वीं क्लास आपको पास मांगा गया है, हेल्पर के लिए 10th क्लास पास मांगा गया है, सुपरवाइजर के लिए 12th क्लास पास अनिवार्य है और वहीं OPD के लिए स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन आपका मांगा गया है। लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, चाहे आप किसी भी पंचायत समिति के अंडर या फिर किसी भी स्टेट के अंडर आते हो, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया ये वैकेंसी है। कोई एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाया जाएगा, नो एग्जाम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यहाँ पे ये पॉलिसी है। 18,500 कार्यकर्ता को यहाँ पे, 22,500 हेल्पर को, पर्यवेक्षक यानी सुपरवाइजर को 26,200 और वहीं OPD वालों को 35,600 यहाँ पे पहले महीने की सैलरी मिलेगी। TDA अलाउंसेंस यहाँ पे डिपेंड करता है रूरल और अर्बन के हिसाब से। 250 रुपये की फीस है जनरल OBC EWS MBBS कैंडिडेट के लिए, वहीं यहाँ पे 100 रुपये की फीस रखी गई है SC ST वालों के लिए। ध्यान रखना फीमेल कैंडिडेट को यहाँ पे फीस के लिए माफ़ करा गया है, चाहे वो जनरल हो या SC ST हो, कोई भी फीमेल हो वह उसको यहाँ पे फीस के लिए माफ़ रखा गया है। इसके अलावा ICDS की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप अप्लाई कर सकते हो। लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन फॉरम यहाँ पे 28 जून 2022 है, तो ध्यान रखना 28 जून 2022 से पहले आप ये वीडियो देख रहे हो तो ये अप्लाई करिए। हो सकता है इस डेट को एक्सटेंड कर दिया जाएगा तो वो भी मैं आपको बता दूंगा डिटेल में इस चैनल के माध्यम से। नीचे लिंक दे रखा है, उस लिंक को भी चेक कर लीजिए, अप्लाई कैसे क्या करना है उसको भी यहाँ पे डिटेल में बता रखा है। धन्यवाद दोस्तों।